गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग के सामने क्लास 12 का एक टॉपिक डिटरमिनेंट के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट कर दी। ये डिटरमिनेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन सेक्शन ए से, एक क्वेश्चन सेक्शन बी से। सेक्शन ए मीन्स की 1 मार्क्स और सेक्शन बी मीन्स की 4 मार्क्स। इस प्रकार से डिटरमिनेंट आपके एग्जाम के व्यू से 5 मार्क्स का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरे वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखें, स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करें। अगर किसी प्रकार का कोई भी स्टेप में किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि पूरी वीडियो को इस प्रकार से बनाया जाए कि हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आए। आप सभी का फीडबैक मेरे लिए बहुत 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 जरूरी है। चलिए सबसे पहले जानते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। जैसे आप लोग को कुछ दिन पहले बताया गया था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज नथिंग, इट इज ओनली अरेंजमेंट। मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है, जबकि डिटरमिनेंट अरेंजमेंट नहीं, किसी खास मैट्रिक्स का एक वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है, डिटरमिनेंट एक प्रकार का वैल्यू है, नंबर है। बोल सकते इसका डेफिनेशन इस प्रकार से है, डेफिनेशन कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी स्पेशल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल वैल्यू होता, वही स्पेशल वैल्यू उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है। डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी प्रकार का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स मीन्स कि वो मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है, दूसरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक स्पेशल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बोल सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट अ स्पेशल नंबर, दैट स्पेशल नंबर इज कॉल्ड इट्स डिटरमिनेंट। देखिए कुछ बात नोट पॉइंट में। पहला, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स को हम लोग ए से जेड तक के कोई भी लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी हम बताते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ए आपका किसी प्रकार का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसको उसके डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का, डिनोट करने का क्या तरीका, आप इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको डिटरमिनेंट करोगे, इसको भी डिटरमिनेंट करोगे, या डेल्टा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए आपका मॉडुलस नहीं, डिटरमिनेंट है, दोनों देखने में एक जैसा है, लेकिन मॉडुलस अलग चीज है, डिटरमिनेंट अलग चीज है। डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन मॉडुलस का वैल्यू हमेशा प्लस होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों का सिंबल एक जैसा, देखने में एक जैसा, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। डिटरमिनेंट प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, मॉडुलस हमेशा प्लस में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, दूसरे किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाला जा सकता है। मैट्रिक्स हैज डिटरमिनेंट, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है, दूसरे किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता है। इफ मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर, कोई वैसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं हो, इट्स नो डिटरमिनेंट, तो वैसे मैट्रिक्स के पास कोई डिटरमिनेंट नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को एक स्पेशल वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता, वही स्पेशल वैल्यू उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहलाता है। थोड़ा सा आपको बता दे, मैट्रिक्स बार बार स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे पहले देखिए, मैट्रिक्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि डिटरमिनेंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैट्रिक्स में इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको रो बोलते हैं, इस प्रकार का अरेंजमेंट जो होता है वो कॉलम। इस प्रकार का देखिए, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा, हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट होगा वो रो कहलाएगा, और वर्टिकली अरेंजमेंट होगा वो कॉलम कहलाएगा। हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट रो कहलाएगा, वर्टिकली अरेंजमेंट आपका कॉलम कहलाएगा। रो को आर से डिनोट किया जाता है और कॉलम को सी से। पहला रह गया तो आर1, दूसरा रह गया आर2,
पहला रह गया C1, दूसरा रह गया C2। तो वैसा कोई भी मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए। अगर रो आपका ऐसे आपका एक है तो ऐसे भी आपका एक होना चाहिए। अगर ऐसे आपका दो है, मीन्स की रो अगर आपका दो है तब कॉलम भी आपका दो होना चाहिए। रो अगर आपका तीन है तो कॉलम भी आपका तीन होना चाहिए। मतलब जितना रो हो गया उतना ही अगर कॉलम होगा, जितना रो हो गया उतना ही अगर कॉलम हो गया, तो वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का ही डिटरमिनेंट पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। रो और कॉलम आपका बराबर होना चाहिए। इस प्रकार के अरेंजमेंट को रो बोलते हैं, इस प्रकार के अरेंजमेंट को कॉलम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, इसके बाद दूसरी बात कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर। ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रो लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस का साइन देंगे और कॉलम लिखेंगे। इसको रो बाय कॉलम पढ़ा जाता है। रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, सबसे पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम, सबसे पहले रो उसके बाद कॉलम। जैसे कि एग्जांपल 1, 2, 3, 4, देखिए इसमें रो कितना है। रो आपका दो है, एक और एक दो, और कॉलम आपका एक और एक दो। इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ रो आपका दो हो गया, नंबर ऑफ कॉलम आपका दो हो गया, और ऑर्डर आपका 2/2 हो गया। रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो गया। तो ये आपका एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा उसी का डिटरमिनेंट निकलेगा। मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखेंगे जिसका ऑर्डर 1 है। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इस प्रकार से A11, मतलब ऐसा जिसमें एक रो एक कॉलम, तो उसका डिटरमिनेंट एकदम सेम हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं, मॉडुलस नहीं है। माइनस रहेगा तो भी माइनस, प्लस रहेगा तो भी प्लस, माइनस तो भी माइनस, प्लस तो भी प्लस, जो यहाँ पे है वही सेम हो जाएगा। मतलब वैसा कोई मैट्रिक्स जो 1/1 का है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं, 1 तो उसका डिटरमिनेंट 1, माइनस 1 तो उसका डिटरमिनेंट माइनस 1, 0 तो भी उसका डिटरमिनेंट 0, 1/2 तो उसका डिटरमिनेंट 1/2। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर इस प्रकार से अगर कोई मैट्रिक्स हो गया 1/1, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा तो सेम होगा। अगर इसके अंदर अगर सपोज कीजिए कि 0 हो गया, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अगर इसके अंदर मान लीजिए अगर 2 हो गया तो इसका वैल्यू 2 होगा। अगर इसके अंदर 2 माइनस 2 हो गया तो इसका डिटरमिनेंट माइनस 2 होगा। 1/1 का डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं, जो रहेगा वही सेम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। वैसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम, मतलब इस प्रकार से भी आपका हॉरिजॉन्टली 2 होना चाहिए, वर्टिकली आपका 2 होना चाहिए, रो भी आपका 2 और कॉलम भी 2, तो उसका डिटरमिनेंट को किस प्रकार से डिफाइन किया गया सो देखिए। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2/2 का, देखिए रो आपका 1 और 1 2 और कॉलम आपका 1 और 1 2, इस प्रकार से इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 हो गया। जब 2/2 हो गया ये तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे मुड़ा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पे मुड़ा हुआ है, तो ये एक प्रकार का मैट्रिक्स का सिंबल है। और अगर इस प्रकार से एक डंडा इधर से एक डंडा इधर से, तो वो आपका डिटरमिनेंट है। दोनों का सिंबल में डिफरेंस देखेगा, इस प्रकार से अगर मुड़ गया तो मैट्रिक्स, और इस प्रकार से अगर सीधा डंडा एक इधर से और एक इधर से, तो वो आपका डिटरमिनेंट का सिंबल है। तो देखिये ए का डिटरमिनेंट डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी एलिमेंट को लिख दिया गया। और इसको निकालने का रोल देखिए, सबसे पहले इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ गुणा करेंगे, ऊपर से नीचे, किधर ऊपर से नीचे, फिर बीच में माइनस का साइन देंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ध्यान रखिएगा ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, इस पहले ए काम करना है, पहले ए काम उसके बाद ए वाला काम, पहले ए वाला काम उसके बाद ए वाला काम। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ गुणा करेंगे और इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ, देखिए वही सिंबल वाइज लिखा हुआ है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, ए आपका मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, पहले ए डिसाइड कर लेना क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर है तो डिटरमिनेंट निकलेगा, स्क्वायर नहीं है तो डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा।
देखिए एक रो और एक दूसरा रो, मतलब दो रो हुआ तो कॉलम भी आपका दो होना चाहिए, एक और एक दो। अब डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो देखिए पहले इस एलिमेंट ऊपर से नीचे तो 1 × 4, बीच में माइनस का साइन देंगे, हमेशा माइनस का साइन, हमेशा बीच में माइनस का साइन देंगे, और फिर नीचे से ऊपर 1 × 4 − 3 × 2। अब बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन, 1 × 4 = 4 और 3 × 2 = 6, सबट्रैक्ट कीजिएगा माइनस। डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, डिटरमिनेंट इज नथिंग, इट इज ऑनली अ वैल्यू। देखिए आप कुछ एग्जांपल, ए आपका है 0, 1, 2, 3, इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा तो डिटरमिनेंट का सिंबल ये हो गया, इसको गुणा कीजिए 0 × 3, 0 से जो कटाएगा 0 0 हो जाएगा, और 2 × 1 = 2, कैलकुलेट कीजिएगा -2 आएगा। दूसरा ए आपका अगर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेगा तो देखिए पहले इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा अगर इसके साथ कीजिएगा तो साइन थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका गुणा इसके साथ कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस, और 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे कि अगर ये दोनों एंगल अगर एक जैसा हो गया, दोनों एंगल अगर सेम हो गया तो साइन स्क्वायर गधा प्लस कॉस स्क्वायर गधा का वैल्यू बन, दोनों क्या लिखा हुआ सो मतलब नहीं है, यहाँ पे अगर दोनों एक रह गया तो उसका वैल्यू हमेशा वन होता है। तो उस प्रकार से इस मैट्रिक्स का जो वैल्यू हो गया वन मीन्स की इसका डिटरमिनेंट वन हो गया। एक और देखिए ए एक्स वाई एक्स वाई इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकालेगा तो पहले इसका गुणा इसके साथ कीजिए x into y, x y हो जाएगा, और इसका गुणा फिर इसके साथ कीजिएगा तो x y में अगर x y चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। अभी हम लोग 2 × 2 का देखे, अब आगे देखते हैं कि 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, जैसे ये आपका वो मैट्रिक्स है ए 3 × 3। सबसे पहले देखते हैं क्या ये मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का है कि नहीं। देखिए इसमें एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, रो आपका 3 हो गया और कॉलम 1, 2, 3। इस प्रकार से आपका एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 × 3 का हो गया। तो कुछ नहीं करना, ए साइन को इस प्रकार के साइन में जस्ट लाइक मॉडुलस साइन जैसा कन्वर्ट कर देना, लेकिन ये मॉडुलस नहीं डिटरमिनेंट है। अब देखिए इसको एक्सपैंड करने का, इसका वैल्यू निकालने का क्या तरीका है। देखिए ए अगर आपका मैट्रिक्स हो गया तो इसको निकालने का तरीका, सबसे पहले आपको साइन बता दे, अल्टरनेट साइन लेना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हमेशा करें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप चाहते हैं इसको तो आप R1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, C1 का भी आप यूज कर सकते हैं, C2 का भी और C3 का भी। इस प्रकार से आपका टोटल 6 तरीका हो सकता है, और 6 के 6 तरीका में आपका आंसर सेम है, आप ट्राई कर सकते हैं। पहले हम आपको R1 के थ्रू बताते हैं एक्सपेंड करते कि कैसे एक्सपेंड होता है। देखिए R1, तो अगर R1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो साइन आपको प्लस से स्टार्ट करना, तो प्लस माइनस प्लस, इसको प्लस के साथ लेना है, इसको माइनस के साथ लेना है, इसको प्लस के साथ, इसको प्लस के साथ, फिर माइनस, फिर प्लस, आगे रखिएगा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अच्छा इसको प्लस के साथ लेते, प्लस के साथ, अब जिसको भी लीजिएगा उसको 90 डिग्री पे रख दीजिए, 90 डिग्री पे, इसको इस प्रकार से 90 डिग्री पे ढक दीजिए। देखिए 90 डिग्री पे ढके, इमेजिन कीजिएगा तो 90 डिग्री पे ढक दीजिएगा, ये चार एलिमेंट बच जाएगा, ये चार एलिमेंट से फिर डिटरमिनेंट बनाइए, a 2 2 a 2 3, a 3 2 और a 3 3, फिर इस एलिमेंट को ढकेगा, इसको 90 डिग्री पे ढके, कितना डिग्री, 90 डिग्री पे, ध्यान रखिएगा जिस एलिमेंट को लेना उसको 90 डिग्री पे ढक देगा, इधर से ढक दीजिए, इधर से ढक दीजिए, इधर से ढक दीजिए, इधर से ढक दीजिए, इधर से ढकेगा, इधर से, तो आपका बचेगा ए वाला एलिमेंट, ए, एलिमेंट को लिखिए a 2 1 a 2 3 a 3 1 a 3 3, फिर इस एलिमेंट को लीजिए, इस एलिमेंट को लीजिएगा, इसको 90 डिग्री पे ढकिए, जिस एलिमेंट को लेते हो उसको 90 डिग्री पे ढकना, इधर से ढक दीजिए, इधर से ढक दीजिए,
इधर से ढकिए, इधर से ढकिए, तो ये चार एलिमेंट बचेगा, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू। अब ए टू बाई टू का डिटरमिनेंट बच गया। आप लोग जानते हैं कि टू बाई टू का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने के लिए पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। ध्यान दीजिएगा, टू बाई टू का डिटरमिनेंट पहले ऊपर से नीचे, पहले ऊपर से नीचे, पहले ए प्रोसेस करना, उसके बाद ए प्रोसेस करना और बीच में माइनस का साइन देना। ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, पहले इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन देते हुए उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ घटाव करेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल देते हैं। एक मैट्रिक्स आता है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट देखिए कैसे निकाला जाएगा। आप चाहते हैं इसको आर1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आर2 के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं, आर3 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, C1 के थ्रू भी, C2 के थ्रू भी, और C3 का भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग, ऐसे जनरली मेरा सजेशन रहेगा आप सभी से कि अक्सर R1 का यूज कीजिए, क्वेश्चन के अनुसार भी उसका डिसीजन लिया जाता है। चलिए देखिए R1, इसको क्या करना, प्लस के साथ लेना, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ। ध्यान दीजिएगा, इसको प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। चलिए प्लस के साथ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ, 1। देखिए ये प्लस लिखे या ना लिखे, ये 1 लिखिए, अब 1 को 90 डिग्री पे ढक दीजिए। अगर 1 को आप अगर 90 डिग्री पे ढक देते हैं तो देखिए इसको इधर से ढकिए और इसको इधर से ढकिए। ध्यान दीजिएगा, इसको इधर से ढक दीजिए, इसको इधर से ढकिए और इसको इधर से, तो ये आपका चार एलिमेंट बच गया, 5 6 8 9, 5 6 8 9। फिर 2 को लीजिए माइनस के साथ, ध्यान दीजिएगा माइनस के साथ, 2 को लेना है माइनस के साथ, फिर 2 को 90 डिग्री पे ढक दीजिए, इधर से ढकिए, इधर से ढकिए, इधर से ढकिए, इधर से ढकिए, क्या बच रहा है, 4 6 7 9, 4 6 7 9। फिर 3 को लीजिए और 90 डिग्री पे ढक दीजिए, इधर से ढकिएगा, इधर से और इधर से, तो आपका बचेगा 4 5 7 8, 4 5 7 8। इस प्रकार से 3 by 3 के डिटरमिनेंट को 2 by 2 के डिटरमिनेंट में रिड्यूस की और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 1 जैसे था वैसे, अब 2 by 2 का डिटरमिनेंट पहले इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, गुणा कीजिए, 5 into 9 45, 8 into 6 48, -2 जैसे था। 2 by 2 का डिटरमिनेंट देखिए, 4 into 9 36, बीच में माइनस का साइन देना, 7 into 6 42। फिर प्लस 3 जैसे था एकदम सेम, उसके बाद 4 into 8 32, -7 into 5 35। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिए, 45 होते हैं, 48 चला गया -3, 36 -42 -6 और 32 -35 -3। कैलकुलेट कीजिए, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, आपका माइनस और माइनस प्लस, और माइनस और प्लस माइनस, 9 और 3 को ऐड कीजिएगा तो -12 आ जाएगा, ये वाला माइनस और प्लस 12, माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हुआ वो आपका 0 के बराबर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0। फिर से ध्यान दीजिएगा, पहले एलिमेंट को देखिएगा, पहले एलिमेंट को प्लस के साथ, दूसरे एलिमेंट को माइनस के साथ, तीसरे एलिमेंट को प्लस के साथ, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, फिर ये जो एलिमेंट है उसको एकदम सेम रख देना, जैसे 1 तो 1, अगर यहाँ 5 रहता तो 5 रख देते, अगर 10 लाख रहता तो 10 लाख रखते, अगर 2 रहेगा तो 2 रखेंगे, 3 रहेगा 3 रखेंगे, 4 रहेगा 4, एकदम सेम एलिमेंट, सिर्फ इसको प्लस के साथ लेना, इसको माइनस के साथ लेना, इसको प्लस के साथ लेना, क्या लिखा हुआ सो मतलब नहीं, अगर ये माइनस भी रहता तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, मतलब माइनस और माइनस 2 लिखते अगर रहता तो जो भी रहेगा वो एकदम सेम, उसी प्रकार से इसको कॉपी कर देना और जिस एलिमेंट को लेते हैं उसको 90 डिग्री पे ढक देते हैं, जिस एलिमेंट को लेते हैं उसको 90 डिग्री पे, जिस भी एलिमेंट को, जैसे 1 को लिए तो इसको इधर से ढकिए, इधर से, ये हमेशा चार एलिमेंट आपको मिलेगा, हमेशा चार एलिमेंट अगर ढकेगा, इस प्रकार से आपको इसको ऐसे ढक दीजिएगा, ये मिलेगा, इसको ढकेगा 90 डिग्री पे तो ये आपका ये चार एलिमेंट मिल जाएगा, इसको अगर ढक दीजिएगा तो ये आपका चार एलिमेंट मिलेगा। फिर ये 2 by 2 का डिटरमिनेंट हो गया, 2 by 2 का डिटरमिनेंट हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले इधर से जा रहा है, फिर इधर से, ध्यान दीजिएगा 2 by 2 का इधर से, फिर इधर से, बीच में माइनस का साइन देना, उसके बाद जोड़ घटाओ, सिंपल जोड़ घटाओ। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज आपका 6.1। हम आपको बता चुके हैं कि 2 by 2, 3 by 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से आपको बता दें कि अगर 2 by 2 का रहेगा
टू बाई टू का। तो इस प्रकार से आपका सबसे पहले यहाँ के एलिमेंट को इस एलिमेंट से गुणा करेंगे, यहाँ के एलिमेंट को इस एलिमेंट से गुणा करेंगे, फिर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से गुणा करेंगे और बीच में माइनस का साइन देंगे। यहाँ वाले एलिमेंट को यहाँ वाले एलिमेंट के साथ, यहाँ वाले एलिमेंट को यहाँ वाले एलिमेंट के साथ और बीच में माइनस का साइन देंगे। अगर टू बाई टू का रहा तो, अगर थ्री बाई थ्री का रह गया तो इस एलिमेंट को प्लस के साथ देना, इसको माइनस के साथ देना, इसको प्लस के साथ, इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ। और जिसको भी लगेगा सपोज कीजिए इससे यहाँ स्टार्ट करते हैं तो इसको 90 डिग्री पे ढक देना, फिर इस एलिमेंट को 90 डिग्री पे ढक देंगे, फिर इस एलिमेंट को 90 डिग्री पे ढक देंगे और उस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इवैल्यूएट, मतलब इसका वैल्यू निकालना। देखिए ये आपका 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट है, इस प्रकार का साइन अगर एक डंडा इधर से और एक डंडा इधर से तो डिटरमिनेंट का सिंबल, सिंबल देख के आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट इसको इससे गुणा कीजिए तो 7 × 3 = 21 माइनस, और ये आपका −2 × 5 −10, माइनस और माइनस प्लस होता है, इस प्रकार से इसको कैलकुलेट कीजिएगा 31 आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन cos अल्फा sin अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस एलिमेंट को देखिए ऊपर से नीचे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, देखिएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस का साइन देना है, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। और क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस स्क्वायर गधा माइनस साइन स्क्वायर गधा कॉस दुगो गधा, यहाँ जो लिखा पड़ेगा, यहाँ जो लिखा पड़ेगा उसका दो गुना, अगर यहाँ एक तो यहाँ उसका दो गुना दो, यहाँ दो तो उसका दो गुना चार, यहाँ तीन तो उसका दो गुना छह, मतलब जो यहाँ पे लिखा पड़ेगा उसी का दो गुना। यहाँ पे अगर गधा तो दो को गधा, अल्फा दो को अल्फा, थीटा दो को थीटा, लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए। प्लस रहता है तो वन होगा, ध्यान दीजिएगा प्लस रहेगा तो वन और माइनस रहेगा तो कॉस टू थीटा, तो यहाँ पे अल्फा था तो कॉस टू अल्फा, यहाँ थीटा तो कॉस टू थीटा, अल्फा तो कॉस टू अल्फा, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगला आपका टेन अल्फा कॉसेक अल्फा साइन अल्फा कॉट अल्फा, इसका गुणा इसके साथ टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, फिर बीच में माइनस का साइन देना साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा। और आप लोग टेन क्लास से पढ़ चुके हैं कि टेन और कॉट दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है तो कट के आपका बना जाएगा, आपका साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता तो साइन और कॉसेक कट जाएगा तो वन हो जाएगा, तो वन में वन गया जीरो। देखिए कैसे टेन अल्फा और कॉट अल्फा को लिख सकते हैं वन बाई टेन अल्फा, टेन अल्फा ही कट गया तो वन बचेगा, उसी प्रकार से ये साइन अल्फा और कॉसेक को लिख सकते हो वन बाई साइन अल्फा, तो साइन अल्फा से वन बाई साइन अल्फा दोनों कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, वन में वन गया जीरो। इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका गुणा इसके साथ ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, देखो गुणा किया गया इसका गुणा इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई कीजिए इतना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा एलसीएम वगैरह लेके इतना आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ए टू बाई टू का डिटरमिनेंट, सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ कीजिए इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ कैलकुलेट कीजिए। देखिए ए वाला टर्म ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और ये वाला माइनस और ये वाला आपका टर्म बच जाएगा, फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये सेम लिख दीजिए, ये वाला सर टर्म भी सेम लिख दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एक्स और ये माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स और वन और वन टू। अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, एक एक टर्म को उठाइए एक्स को उठाइए गुणा कीजिएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स, फिर वन को उठाइए पूरे को गुणा कीजिए तो एक्स स्क्वायर फिर आपका माइनस टू एक्स ये प्लस टू, ये माइनस टू एक्स और प्लस टू एक्स, एक प्लस और एक माइनस कट गया तो आपका बच गया एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर में एक प्लस एक्स स्क्वायर ऐड हो गया तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस टू। देखिए कुछ क्वेश्चन और आगे देखते हैं, वन का क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इसका वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले 2/2 का डिटरमिनेंट है तो ऊपर से नीचे इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ गुणा कीजिए और इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ, हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं जोड़ में आईडी माइनस में सी, इसको उलट के लिखा गया इस प्रकार से, इसको भी आप उलट के लिख सकते हैं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा, आई डी प्लस सी। अब देखिए फॉर्मेट आपका बन रहा है एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी बराबर हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहला एलिमेंट क्या है ए, तो ए का स्क्वायर माइनस दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा आई इंटू बी है आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ए वाला माइनस फिर से यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का सेम चीज है, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस है ए प्लस बी और ए माइनस में बी। तो ए स्क्वायर मतलब शुरू वाले का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बाद वाले का स्क्वायर। इलेवन क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं आई आयोटा है आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, तो यहाँ पे माइनस वन अगर रख देंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट लिख दिया गया यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन मतलब माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको अरेंज करके लिख दिया गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। आगे क्वेश्चन ए बराबर इतना वन टू फोर टू, यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखाना कि 2a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, मतलब सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा एलएचएस के लिए कि ये जो मैट्रिक्स है उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और जो उसका जो वैल्यू होगा वो 4 इनटू डिटरमिनेंट a के बराबर होगा। चलिए सबसे पहले a मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट 2 बाय 2 का कैसे निकलेगा, ऊपर से नीचे तो 1 इनटू 2 2 और बीच में माइनस का साइन देंगे 4 इंटू टू एट, टू माइनस एट इक्वल टू माइनस सिक्स, ए का डिटरमिनेंट निकल गया। अब आपको निकालना भी है 2a, तो a को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट इसका गुणा ऊपर से नीचे, इसका गुणा इसके साथ 2 इंटू 4 8 और 8 इंटू 4 32, इसको कैलकुलेट कीजिएगा माइनस 24। अब सॉल्व करते हैं इतना बराबर इतना प्रूव करना है, एलएचएस आपका था क्या 2a का डिटरमिनेंट जो निकाल चुके हैं माइनस 24 आया, आरएचएस आपका क्या है आरएचएस आपका 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 4 और डिटरमिनेंट a का वैल्यू, देखिए डिटरमिनेंट a का वैल्यू माइनस 6 निकाल चुके हैं तो माइनस 6 पुट करेंगे माइनस 1, एलएचएस का वैल्यू भी माइनस 24 आरएचएस का वैल्यू भी माइनस 24, इस प्रकार से आपका एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन 3/3 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 माइनर कोफैक्टर का, इसके अगले क्लास में उसका सॉल्यूशन मिलेगा, माइनर कोफैक्टर पढ़ेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 1 5 7 6 7 2 1 2 3, देखिए ये 3/3 का, तो 3/3 का रूल क्या होगा, आपको अगर मन करता है तो R1 का यूज कीजिए, R2 का यूज कीजिए या R3 या C1 C2 C3, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग R1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, R1 तो इसको क्या करेंगे प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, चलिए 1, अब जिसको भी है ना उसको 90 डिग्री पे हट दीजिए, अगर 1 को 90 डिग्री पे हट दीजिएगा क्या बच रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा 7 2 2 3, तो 7 2 2 3, फिर 5 को 90 डिग्री पे हट दीजिए, 5 को 90 ध्यान से देखिए 6 2 1 3 6 2 1 3, इसके बाद 7 को लीजिए 90 डिग्री पे हट दीजिए 6 7 1 2 6 7 1 2, अब एक 2/2 का डिटरमिनेंट बच गया और 2/2 का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने के लिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, गुणा कीजिए यहाँ पे गुणा कीजिए यहाँ गुणा कीजिए, इसको फिर कैलकुलेट कीजिए, इस प्रकार से माइनस 28। देखिए एक क्वेश्चन स्क्वायर में दिया, स्क्वायर में दे दे या क्यूब में दे दे, इसको स्पेशल तरीके से भी बनाया जा सकता है लेकिन अभी हम लोग वो सीखे नहीं, इसको डायरेक्टली देखिए सबसे पहले स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए जो वैल्यू हुआ उसको फिर उसी प्रकार से इसको देखिए प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ एक्सपेंड कर दीजिए, फिर जो वैल्यू आएगा इतना आप लोग कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, आप इसको R1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के थ्रू भी, R3, C1, C2, C3 किसी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज पे हैं, इसलिए R1 का यूज करते हैं, प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ, फिर प्लस के साथ, ध्यान दीजिएगा इसको प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ऐसा नहीं कि ये माइनस है तो फिर यहाँ पे छोड़ देंगे, ये माइनस अलग हो गया, ये आपका माइनस,
कंसेप्ट पर। ये आपका प्लस, इसको प्लस के साथ लेना, इसको माइनस के साथ लेना, इसको प्लस के साथ लेना, फिर इसको 90 डिग्री पे ढकने, इसको 90 डिग्री पे ढकेगा तो आपका रिजल्ट कितना बचेगा, फिर इसको 90 डिग्री पे ढके रिजल्ट ये वाला और ये बचेगा, फिर इसको 90 डिग्री पे ढक दीजिए ये बचेगा। इसको कैलकुलेट कीजिए 0 × 0 = 0, माइनस और माइनस प्लस, और ये बीच वाला कंसेप्ट वाला माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस 0, और ये माइनस और ये -3 + 3, -2 0 और -0, -15 3 और 0 × something 0, इस प्रकार से -2। चलिए आज इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे। थैंक यू।